साथ है आज उल्लासनगर महानगर पालिका के एक्स डिप्टी मेयर विनोद तलरेजा जी। आज हम विनोद तलरेजा जी से खास करते हैं मुलाकात उल्लासनगर महानगर पालिका के कई विषयों पर। आइए क्या कहते हैं विनोद तलरेजा जी। विनोद तलरेजा जी, आपका थाने सरकार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद विनोद जी। हमें ये जानकारी मिली है कि हाल ही में स्थायी समिति के सदस्य चुने जाने हैं, उसमें भाजपा पार्टी के तरफ से 3 लोग स्थायी समिति में जाने वाले हैं, तो आपकी क्या मांग है इस स्थायी समिति में आपके तरफ से और शहर के लोगों के तरफ से, सबसे पसंदीदा कौन सा व्यक्ति जाना चाहिए? जी महेश जी, हाल ही में 15-20 दिन से मैंने टीओके से डिमांड की है कि आने वाली स्थायी समिति में श्रीमती पंचम ओमिकारणी को लिया जाए, लेकिन साथ ही साथ सभापति भी पंचम ओमिकारणी को दिया जाए, क्योंकि पंचम ओमिकारणी कारणी परिवार की बहू है और उन्होंने महापौर रहते शहर का विकास करने में बहुत अच्छा योगदान दिया है। डायनामिक लेडी है और उसको लगन है हमारे शहर से, क्योंकि कालानी परिवार हमेशा शहर को ध्यान में रख के काम करता है। अभी पंचम ओमी कालानी महापौर तो है ही है, लेकिन आने वाले में सभापति स्थायी समिति होना बहुत जरूरी है। ये मैंने डिमांड की है, क्योंकि जो पंचम ओमी कालानी ने महापौर कार्य में रहते अपने काम हाथ में लिए, जैसे कि कल्याण मनाथ रोड के बारे में है, बहुत से प्रोजेक्ट उन्होंने हाथ में लिए हैं, उनको पूरा करने में पंचम ओमिकारणी का स्थायी समिति पे सभापति होना बहुत जरूरी है। ये मैंने डिमांड हर पेपर में ये डिमांड की है टीओके से कि पंचम को स्थायी समिति का सभापति बनाया जाए। विनोद जी, ये बताइए कि हमने तो ये सुना है कि टीओके पार्टी के ओर से स्थायी समिति में राजेश वद्रा जी को भेजने वाले हैं और उन्हें चेयरमैन भी बनाने वाले हैं। अगर ऐसी बात ये चर्चा शहर में चल रही है तो उसमें पीछे सच्चाई क्या है, आप बताइए। देखिए, अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं है कि भाई इनको चेयरमैन पे दिया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी टाइम है, अभी कोड़ा पंडक भी लगा हुआ है और मैं फिर से डिमांड करता हूँ आपके थाने सरकार चैनल के थ्रू के आने वाली सभापति श्रीमती पंचम ओमिकारणी को देना बहुत जरूरी है। विनोद जी, आप कालानी परिवार से जुड़े हुए हैं काफी समय से, आपने अपने कार्यकाल में शहर के कई विकास कार्य किए। मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, उल्लासनगर में जो करप्शन का बोलबाला हो चुका है, सब जगह काफी सारे मुद्दे शहर में चर्चाओं में चल रहे हैं, जैसे कि GSI जो टेंडर में गड़बड़ियां की गई है और जो उल्लासनगर में CC कैमराओं का टेंडर में गड़बड़ी की गई है और काफी सारे मुद्दे हैं जो उल्लासनगर में 522 में पास करके उनका दुरुपयोग किया गया है, सीधे तो ठेकेदार को फायदा पहुंचाया गया है, इतना बड़ा धोखा शहर की जनता के पैसों के साथ किया जा रहा है, आपने उसके लिए क्या किया है? क्या आपने इसके माध्यम से TOK पार्टी को या आमदार ज्योति कालानी को ऐसा कोई निवेदन पत्र दिया है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, अभी जहां तक अभी जो आयुक्त आए हैं शहर में, नए आयुक्त आए हंगे साहब, बहुत उम्मीद थी कि शहर का विकास होगा, कुछ डेवलपमेंट होगी, लेकिन उसका उल्टा आयुक्त साहब ने जो 522 के विषय में बहुत से करोड़ रुपए के काम बिना टेंडर निकाले अपने हक से आज ठेकेदारों को दिए हैं, जिसके लिए बहुत करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मुंबई महानगर पालिका अधिनियम कहता है कि 522 कभी करना चाहिए जब भी कोई आपातकाल स्थिति आई हो, जो शहर में कोई ऐसा बाढ़ आ गई हो, वो भी तभी कर सकते हैं जब उसको स्थायी समिति की मंजूरी लेना अनिवार्य है, लेकिन उन्होंने ध्यान में नहीं करके अपने पावर में किए, जिसके लिए हमने हमारे मंत्रालय में UD सेक्रेटरी को हमने पत्र दिया है कि ये जो 522 की है ये रद्द होने चाहिए, क्योंकि अगर टेंडर निकलता है तो 20%, 15%, 18% बिलों में जाता है, लेकिन अभी इन्होंने 522 में एट पार में दिए हैं, जिन्होंने जिसके लिए महानगर पालिका को करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शहर की जनता, जो गरीब जनता, विधवाएं, गरीब आदमी पैसे भरता है टैक्स का, उसका इसमें दुरुपयोग हुआ है। जहां तक दूसरी बात है,
जीआईएस की, जीआईएस का जो काम दिया गया है वो एक खतरनाक काम है, जिसके लिए आगे चल के हमारे शहरवासी इतने भुगतेंगे, जिसके लिए जैसे हमने आगे पीछे में बहुत भुगता है, व्यापारियों ने मारे खाई है, आगे चल के जो जीआईएस लगेगी उसमें बहुत से शहरवासी को परेशान किया जाएगा टैक्स वसूली करने के लिए। इसके लिए ये भी मैं मांग करता हूं कि ये जो टेंडर निकाला गया है ये रद्द होना चाहिए। विनोद जी, आपने अपने ओर से काफी शहरवासियों को सुझाव दिए और आपकी जो लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ रहे हो, काफी अच्छी बात है। हम चाहेंगे आपकी बातों को मान्यता दी जाए और आपने जो सुझाव दिया उस पर जल्द ही इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। एक दूसरी बात मैं भूल गया आपको बताना, मुंबई महानगर पालिका सेक्शन 78 में स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर महानगर पालिका में किसी बजट में प्रावधान है कोई भी काम के लिए लेकिन पैसे नहीं है तो वो काम को मंजूरी नहीं देना है, सेक्शन 78 ऑफ मुंबई महानगर पालिका अधिनियम में। लेकिन यहाँ आयुक्त ने करीबन 200 करोड़ रुपए के काम निकाले हैं, जिसके लिए हमारे आने वाले 4 बरस में शहर में न कोई डेवलपमेंट होगा, न कोई ठेकेदार को 1 रुपया कहां से पैसा मिलेगा, पूरा ठप हो जाएगा कार्यकाल महानगर पालिका का, क्योंकि 2 महीने के बाद ये आयुक्त यहां से जाने वाला है, इसकी रिटायरमेंट है और कुछ सत्ताधारियों ने मिलकर इस आयुक्त के लिए फेवर में एक प्रस्ताव पास किया है कि इसको 2 साल का कार्यकाल बढ़ा के देना चाहिए। लेकिन ये जो कार्यकाल बढ़ा के देना है ये शासन का निर्णय है, महासभा को या किसी नगर सेवक को कोई पावर नहीं है, ऐसे मुंबई महानगर पालिका अधिनियम कहती है। विनोद जी ये बताइए कि उल्लासनगर महानगर पालिका में गोल्डन गैंग किसको कहते हैं, गोल्डन गैंग के कौन से लोग हैं? देखिए गोल्डन गैंग बहुत फेमस गैंग है, ये गैंग जैसा चाहे महानगर पालिका में काम करते हैं, किसी भी अधिकारी को कैसा डांस कराना हो, किसी राजनीति व्यक्ति को कैसा डांस कराना हो, वो आपस में मिले जुले हैं, आपस में मिलते हैं, खाना खाते हैं छुपके और डेली मटन मुर्गियां महानगर पालिका मंगा के और अपना उल्लू सीधा करते हैं, शहर का पैसा सिर्फ लूटने के लिए, ये महानगर पालिका की गोल्डन गैंग है। इसके लिए आप सभी शहरवासियों को मैं विनती करता हूँ कि आपके आजू बाजू के जो नगर सेवक हैं उनको आप फोन करके बोलिए कि आज महानगर पालिका में गरीबों के पैसे हैं जिसका गलत उपयोग न हो, आप उनको बताइए हमने आपको वोट दिए हैं, आप ऐसा करोगे आगे चल के हम आपको मदद नहीं करेंगे, ये मेरा एक आपसे निवेदन है। धन्यवाद।